हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में छात्रवृत्ति योजना 2022-23 के लिए मैंने एक दो वीडियो जारी किया था दोस्तों, जिसमें मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के द्वारा जो है अलग अलग कक्षा के छात्रों को अलग अलग जो है राशियाँ जो है प्रदान की जाती है। जैसे कक्षा पहली से आठवीं तक 3,000 रुपये, नौवीं से बारहवीं तक 6,000 रुपये, इसी प्रकार जो कॉलेज के छात्र हैं उनको 20,000 रुपये, और पोस्ट ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग के जो मेडिकल के जो छात्र होते हैं, है ना, उनको जो है 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो इसका फॉर्म जो है आपको कहाँ से भरना है, किस प्रकार से भरना है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा कि ये कौन किस प्रकार के छात्र इसको भरने के लिए पात्रता रखते हैं, यानी कौन से प्रकार के छात्र इसको फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कंडीशन में जो आता है, और इसका मैं एक फॉर्म भी आपको दिखाने वाला हूँ, इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को डाउनलोड करके उसको फिल अप करके चॉइस सेंटर से भरना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कौन से प्रकार के छात्र इसको भर सकते हैं। वही छात्र इसको भर सकते हैं जिनके माता पिता किसी कारखाने में या कहीं पर मजदूरी करते हों, और जिनका मजदूर कार्ड या श्रम कार्ड बना हुआ है, जिनके पास मजदूर कार्ड है या श्रम कार्ड है, वही छात्र इस फॉर्म को भरे, अन्यथा दूसरे छात्र इस फॉर्म को नहीं भर सकते। SC ST OBC सारे छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बशर्ते हैं उनके पास मजदूर कार्ड का होना अति आवश्यक है, यानी उनके माता पिता के नाम से मजदूर कार्ड होना जरूरी है। अब दूसरा जो दस्तावेज है दोस्तों, आपको रेगुलर कोई स्कूल या कॉलेज में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर में आपका नाम वहाँ पर है और आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है, तो ही भर सकते हैं। प्राइवेट वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ आप जहाँ से भी फॉर्म भरेंगे वहाँ के प्रिंसिपल से आपको उस फॉर्म में साइन कराना होगा, ठीक है। तो आपको ये बातें तभी समझ आएगी जब आपकी स्क्रीन पर मैं फॉर्म लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं ये फॉर्म के साथ आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। इसका फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुका है अगस्त महीने, इसी महीने से, और ये जो है 30 अगस्त तक फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, और इसी प्रकार ये डेट यदि आगे बढ़ता है तो सितंबर महीने में भी इसका फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन अभी अगस्त में ही आपको फॉर्म भर लेना चाहिए। देखिए, हेलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर मैंने श्रम विभाग के तहत छात्रवृत्ति योजना हेतु ये प्रमाण पत्र आपके सामने रख दिया है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर हम लोग कहाँ से फॉर्म भरे, फॉर्म तो चॉइस सेंटर वाले दे नहीं रहे हैं। तो भाई, आप जहाँ भी रहते हैं, कोई भी ज़िले में रहते हैं, चाहे रायपुर हो, है ना, बिलासपुर हो, रायगढ़ हो, दुर्ग हो, राजनांदगांव, किसी भी ज़िले की बात करें, तो ये फॉर्म आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यदि मेरे व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आप लोग जो है ले सकते हैं। ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, यदि आपके पास मजदूर कार्ड है, इस फॉर्म को भरना है। प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर लिख देंगे, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, निवास कहाँ के हैं आप, शाला का नाम जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय की कक्षा खाली स्थान में वर्तमान में, यदि आप अभी 10वीं पढ़ रहे हैं तो 10वीं लिख देंगे, 2022-23 में अध्ययनरत है, पिछले सत्र 2021-22 में कक्षा 9वीं में, यानी कि जो अभी 10वीं है वो भी यहाँ पर 9वीं में लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ टिक कर दिया है, देख लीजिए प्रतिशत ग्रेड जो जिस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर कितना प्रतिशत लाए थे उसको लिख देंगे। साथ ही उक्त छात्र को स्कूल महाविद्यालय संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा रही है, ये प्रमाणित करना होगा। तो यहाँ पर आप जो है, यदि प्राइवेट के भी हैं तो किसी स्कूल के प्रिंसिपल से आप जो है प्राइवेट स्कूल वाले जो है कर देते हैं, तो वहाँ पर आप इसमें सील या सिग्नेचर करवाना। देखिए, यहाँ पर नीचे में लिखा है प्राचार्य प्रधान पाठक सील एवं हस्ताक्षर, ठीक। तो सील लगाने के बाद आप इस फॉर्म को चॉइस सेंटर में ले जाकर देना है, और आप जिस कक्षा, जैसे आप 9वीं पास किए हैं इस वर्ष या 8वीं पास किए हैं, जिस क्लास को भी आपने पास किया है उसका एक फ़ोटो कापी आपको अटैच करना होगा, साथ में मजदूर कार्ड या श्रम कार्ड जो है ना, उसकी भी फ़ोटो कापी लगती है। तो यहाँ पर मजदूर कार्ड हो गया, ये फॉर्म हो गया, और आपका जो मार्कशीट है उसकी कॉपी है, ठीक, इत्यादि को अटैच करके आपको चॉइस सेंटर में देना है। यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो भी दे सकते हैं, यदि आय प्रमाण पत्र है तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने को आपको आपके नज़दीकी चॉइस सेंटर में इस फॉर्म को फिल अप करके ले जाना है, और इसका साइट क्या है उसको भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, आपके सामने मैंने ये साइट लगा दिया है,
ठीक है, ये है इसका मेन साइट। ठीक, आपको गूगल पे सर्च करना होगा cglabor.nic.in, ठीक है, या जहाँ जिस वाइज सेंटर में आपको फॉर्म भरना है वहाँ पर इसको दिखा देना है। ठीक है, तो वे जो है ऑनलाइन फॉर्म आप भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन भरना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, उसको आपको वहाँ पर अपलोड भी करना होता है, इसलिए आप लोग स्वयं अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं इस साइट में जाकर। तो ये है दोस्तों, है ना। अब इसमें से भी यदि आपको किसी भी प्रकार से डाउटफुल लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि जो है डबल थोड़ा आप लोग को गाइडलाइन दिया जा सके।